में राइट्स इशू एक बड़ा हैंगओवर था। नवंबर में उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद देखिए चार महीने से शेयर में अगर आप देखें तो करीब 30-35% के आसपास की गिरावट इसी हैंगओवर की वजह से हो चुकी है कि राइट्स इशू की प्राइसिंग कहां पे आएगी। आज जो प्राइसिंग आई 12.5 रुपये की, बाजार नहीं अनुमान करके चल रहा था, बाजार मान रहा था कि 30% डिस्काउंट पे प्राइसिंग आएगी, 58-60% डिस्काउंट पे प्राइसिंग आई, तो शेयर एक समय 7-8% लुढ़कता हुआ दिखा। लेकिन वो प्राइस था जहां पे अगर आप देखें लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी रिकवरी, काफी अच्छी जो एक बाउंस बैक है स्टॉक में देखने को मिला है। पहले बात जैसे मैंने कहा उसका कारण यही है कि एक तो जो हैंगओवर है राइट्स इशू का वो खत्म हो चुका है, दूसरी बात देखिए 30% गिर चुका है, 42 के आसपास राइट्स का अनाउंसमेंट हुआ था और स्टॉक 28-29 के आसपास का लो बना के 52 वीक लो। तीसरी बात यह है कि प्रमोटर्स ऑलरेडी ये कह चुके हैं, चाहे वो वोडाफोन हो चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो, दोनों कह रहे हैं कि हम मिला के करीब 18,250 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेंगे। 25,000 करोड़ में से अगर आप 18,250 करोड़ देखें तो करीब करीब 3/4 हिस्सा तो प्रमोटर्स की ओर से आएगा, और खुदा ना खास्ता अगर ये राइट इशू नहीं भरता है तो प्रमोटर्स ने इस चीज का आश्वासन भी दिया है कि बाकी बचा हिस्सा भी वो सब्सक्राइब करते हुए दिखेंगे। तो जो पैसा आना है उसको लेकर कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी यहाँ पे चिंता नहीं है। और इशू के बाद ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट ये बता रही है कि 2 साल के लिए इस कंपनी के पास पर्याप्त फंडिंग मौजूद होगी। और पांचवी बात यह है कि प्रमोटर्स का हिस्सा जो है वोडाफोन करीब 45-40% होल्ड करता है और 26% एबी ग्रुप के पास है, और दोनों की जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहती हुई दिखेगी और जो पैसा आएगा उससे नेटवर्क के ऊपर निवेश होता हुआ दिखेगा। तो नेट नेट देखा जाए जिस दाम पर ये गिर गया था आज उस दाम पे काफी लुक्रेटिव हो गया था, और वहां पे कुछ जो बड़े निवेशक हैं उनकी ओर से बड़ा वैल्यू बाइंग यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला, जिस वजह से आप देखिए इतनी बड़ी जो रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये है वोडाफोन आइडिया में रिकवरी की वजह। नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे आपको कि